Hello students, now topic is mood. What is a mood? The mood of a set of observation is the observation that occurs most often. जो सबसे ज्यादा टाइम हमें ऑब्जर्वेशन में मिली वो क्या कहलाता है? मूड कहलाता है. जैसे हम इसको एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे. फाइंड द मूड ऑफ द गिवन सेट ऑफ नंबर्स. जैसे ये नंबर दे रखे हैं हमको. फर्स्टली तो सॉल्यूशन में हम देखते हैं, फर्स्टली यू हैव टू अरेंज द नंबर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर लिया, सेम वैल्यूज को तो आप साथ में रखेंगे. अब देखो, जैसे मैंने अरेंज किया इन्हें 1 1 1, 2 2 2 2, 3 4 4. तो मोड ऑफ दिस डाटा इज 2. इस डाटा का मोड कितना है? 2 है. बिकॉज इट ऑकर्स मोर फ्रिक्वेंटली देन अदर ऑब्जर्वेशन, बिकॉज इट कम्स 4 टाइम्स इन दिस ऑब्जर्वेशन. 4 टाइम्स आया नहीं आपके पास. अगर इससे भी ज्यादा टाइम्स कोई और आता तो वो क्या होता? आपका मोड ऑफ दिस डाटा. जो जितने टाइम्स ज्यादा आएगा वही आपका क्या होगा? डाटा का मोड होगा. नेक्स्ट बात कहते हैं मीडियन की. व्हाट इज द मीडियन? द गिवन डाटा अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. द मीडियन गिव्स अस द मिडल ऑब्जर्वेशन. आप जब इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. और जब अरेंज करोगे तो आपको मिडल मतलब दोनों साइड से जो मिडल टर्म होगी वो आपका क्या होगा? मीडियन होगा. दिस इज फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा. ये ओनली ऑड नंबर, मतलब ऑड नंबर है कि आपको या तो 7 ऑब्जर्वेशन दे रखे होंगे, 9 ऑब्जर्वेशन दे रखे होंगे, 11 ऑब्जर्वेशन दे रखे होंगे. इवन नंबर्स के लिए अभी हमारे पास नहीं है. इवन नंबर्स हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम ऑड नंबर्स के लिए मीडियन पढ़ रहे हैं. तो ऑड नंबर्स मीडियन के लिए जो मिडल टर्म होगी वो आपका क्या होगा? मीडियन होगा. जैसे फर्स्टली यू हैव टू अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर. अब असेंडिंग ऑर्डर में मैंने अरेंज किया तो देखो 25 इज द मिडल टर्म. सो मीडियन इज द मिडल ऑब्जर्वेशन, देयरफॉर 25 इज द मीडियन. ओके, अब बात करते हैं एक्सरसाइज 3.2 की. एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द स्कोर इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज एज फॉलोज. 15 स्टूडेंट्स है, यू नो दैट 15 इज द ऑड नंबर, सो यू कैन फाइंड मीडियन एंड द मोड ऑल्सो. फाइंड द मोड एंड द मीडियन ऑफ दिस डाटा आर द सेम. तो फर्स्टली हम मोड फाइंड आउट करेंगे. मोड फाइंड आउट करने के लिए यू हैव टू अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में राइट करने के बाद में आपको देखना है कि मोस्ट ऑकर्स टाइम कौन आ रहा है. आपको ये नंबर फाइंड आउट करना है. नंबर फाइंड आउट करने के बाद में आप मीडियन के लिए देखेंगे कि मिडल टर्म कौन सी है, और मिडल टर्म देखने के बाद आपको मीडियन का पता चल जाएगा. फिर आपको बताना है कि क्या मोड एंड मीडियन क्या है, सेम है? अगर सेम है तो यस, अदरवाइज नो, दे आर नॉट सेम. क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑल्सो दिस टाइप. क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको डेटा गिवन है. फर्स्ट है फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा, यू कैन फाइंड इट. नाउ सेकंड इज देयर मोर देन वन मोड. जब आप इसमें मोड फाइंड आउट करेंगे तो देखना आपको 2 मोड मिलेंगे, बिकॉज इसमें 38 भी है, 43 भी है, जो सेम टाइम्स आ रहा है. दोनों 3-3 टाइम्स आएंगे, और 3 टाइम्स आने के बाद दोनों ही इससे क्या होंगे? मोड, 38 या 43. क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा. मोड एंड मीडियन फाइंड आउट करना है डाटा के लिए, जो आप आराम से कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स बताने हैं. फर्स्ट इज द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा. अब नंबर्स में तो मोड सेम ही होता है, डिफरेंट नहीं होता है. नंबर्स तो एक ही होगा मोड का, तो इसलिए इट इज ट्रू. सेकेंड, द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा. नो, इट मे बी और मे नॉट बी. ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, सो इट इज फॉल्स. थर्ड की बात करते हैं, द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा. यस, सो आप और इसका फोर्थ आप करेंगे खुद. मीन फाइंड आउट करना है. मीन फाइंड आउट करने के बाद में बताना कि 9 इट इज द मीन और नॉट. और मैंने पीडीएफ में आपको सेंड किए हुए हैं इसके हम शीट, देन यू कैन हेल्प ऑफ द पीडीएफ. ओके.